कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल जालंधर छावनी में एमपीलैड फंड्स स्कीम के तहत खरीदी हुई मशीनों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर सब एरिया कमांडर सुनील कुमार सोल, सीईओ रामस्वरूप हरितवाल, सिविल सदस्य पुनीत शुक्ला, एसएचओ डॉक्टर माधवी ओबराय और राज्यसभा सांसद की धर्म पत्नी रश्मि मित्तल भी विशेष रूप से उपस्थित रही। गौरतलब रहे कि एमपी लैंड फंड से करीब 90 लाख रुपयों के मेडिकल इक्विपमेंट कैंटोनमेंट अस्पताल के लिए खरीदे गए हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, सीवीसी मशीन, एम्बुलेंस, डेंटल एंडोमोटर, एनएसके, ईसीजी के अलावा अन्य मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, जिनका शुभारंभ राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू, डॉक्टर गीतिका अब्बी, डॉक्टर पंकज पाल, गुरविंदर गगन सहित कैंटोनमेंट बोर्ड का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज का दिन मैं समझता हूँ बहुत ही कैंटोनमेंट के लिए बढ़िया दिन है, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि एक प्राइवेट जैसे कॉर्पोरेशन होती है, वैसे ही लोकल बॉडी है और कुछ लोकल बॉडीज होती हैं जिनके यहाँ पर जैसे साफ सफाई, सैनिटेशन, पानी, बिजली, पानी, सड़क और कई सुविधाएं देना उसका फर्ज होता है। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है हिंदुस्तान में, उनके यहाँ पर बहुत से स्कूल चलते हैं, एजुकेशन का काम चलता है। आज उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड के हॉस्पिटल में जो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स जिसमें एम्बुलेंस है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, डेंटल से संबंधित मशीनें हैं, ब्लड टेस्टिंग से संबंधित मशीनें हैं, ऐसी मशीनें, ऐसी सुविधाएं सेहत के लिए अपने एमपी लैड फंड से तकरीबन लगभग 1 करोड़ के लगभग जो है वो कैंटोनमेंट के लोगों को उनकी बेहतर सेहत सुविधाएं कैंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से मिल सकें तो उन्होंने प्रदान की हैं। और उन्होंने केंद्र के बारे में सोचा और ये बहुत बढ़िया कार्य उन्होंने किया है, तो मैं उनको कैंट के सभी लोगों की तरफ से और आसपास के क्षेत्र के लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर मुझे फिर भी खुशी हो रही है कि ये एक अच्छे काम के लिए पैसा लग रहा है और मेडिकल काम के लिए लग रहा है। राधर मैं कहूँगा कि 90 लाख की हो रखी है, उसको 1 करोड़ ही पूरा कर लो, जो बाकी रहेगा वो भी ले लीजिए 10 लाख करके। तो 90 लाख की हो रहा है, 1 करोड़ पर ही जाके आप रुके। ये तो एक बात है कि आप भी जो भी आपने लिया, आपने एफर्ट्स किए, सीईओ साहब ने, मैडम माधवी जी ने और हमारे ब्रिगेडियर साहब ने, जलंधर कैंटोनमेंट के लोगों को लेके आपके इसमें कहीं किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका एक ही इंटरेस्ट है कि जलंधर कैंटोनमेंट के लोग और आसपास के हमारे गांव के लोगों का कुछ भला हो सके, कुछ वो बेहतर सुविधाएं हासिल कर सकें। और एमपी लैंड फंड जो था उसमें मेरी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपना ये जो फंड है जो भारत सरकार ने दिया वो ऐसे कामों में लगाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, और ज़्यादा से ज़्यादा। और मेडिकल फील्ड हमेशा मेरे दिल के नज़दीक रही है कि हम एक बिल्डिंग बना लें, स्टेडियम बना लें, कम लोगों का यूज़ होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है हमारे लिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ाई और मेडिकल। तो मेडिकल में जितना ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ मैं करना चाहूँगा।